नमस्कार, हिप्पी समाई शाला तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप अभी तक हिंदी पढ़े हो, पांचवी कक्षा में मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, हिंदी पढ़ाने से पहले मैं आपको मेरा परिचय दूंगी। मेरा नाम है कौशला गिद्दा, मैं आपको पांचवी कक्षा में हिंदी पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, अभी तक आपने स्वर, व्यंजन, गिनती सब पढ़ा होगा। तो हम पांचवी कक्षा में अभ्यास करने से पहले हम थोड़ा शब्द लेखन करेंगे। तो चलो बच्चों, हम शब्द लेखन करते हैं। बच्चों, हमें चित्र देखकर शब्द लिखना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे कितने सुंदर चित्र दिख रहे हैं। तो हमें चित्र देख के इसके नाम लिखने हैं। बच्चों, पहला चित्र है गुलाब, तो इसमें से आपको गुलाब ढूंढ के लिखना है। तो पहला चित्र है गुलाब, दूसरा चित्र है कमल, तीसरा चित्र है गेंदा, चौथा चित्र है कौन सा है, चौथा चित्र है कनेर, पांचवा चित्र है मोगरा, फिर है चूहा, चित्र में दिख रहा है यह है कछुआ, और लास्ट में है अजगर। देखा बच्चों, चित्र को देखकर हमें हिंदी में नाम लिखना है। यानी बच्चों, चित्र देखकर हमें पहचानना है कि हिंदी में इसको क्या बोला जाता है। तो आपने जोइए छे कि गुजराती में गुलाब ने गुलाब कहवाय, कमल ने कमल कहवाय, गेंदा याने गलगोटो, करण याने करणनू फूल, मोगरो एटले के मोगरो, चूहा एटले के उंदर, कछुआ एटले के काचबो, अजगर एटले के अजगर। देखो इसके नीचे भी हमें ऐसे ही चित्र दिए हैं। यहाँ पे हमें रंग के चित्र दिए हुए हैं। देखो, यह पहला कौन सा रंग है, तो लाल, फिर कौन सा रंग है, हरा। चित्र को देख के हमें पहचानना है। यह है कौन सा कलर, तो पीला, यह कौन सा कलर है, तो काला। देखो, हमें पहली लाइन में सब कलर के रंग मिले हैं, और इसको हमें पहचान के इसके सामने लिखना है। नीचे दिया हुआ है पक्षियों के नाम हमें ढूंढ के लिखने हैं। तो पहले चित्र में हमें कौन दिखाई दे रहा है, चिड़िया। दूसरा चित्र है तोता। तीसरा चित्र है मोर। चौथा चित्र में दिखाई दे रहा है कौवा। तो हिंदी में हमने देखा कि चिड़िया, तोता, मोर, कौवा। तो गुजराती में आपने जुए तो चिड़िया याने चकली, तोता याने पोपट, मोर याने मोर, कौवा याने कागड़ो। तो मित्रों देखा, हमें कैसे चित्र देखकर इसके नाम नीचे लिखने हैं। आगे देखिए, तो आगे यहाँ पे फल के नाम दिए हैं। तो ये चित्र देखकर हमें हिंदी में नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र है आम, दूसरा है सेब, तीसरा है अनार, चौथा है केले। तो हमें यहाँ पे फल के चित्र दिए हैं। आम याने कैरी, सेब याने सफरजन, अनार याने दाड़म, केला याने केड़ा। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, हमें यहाँ पे कितने सारे चित्र देखे, जैसे गुलाब, कमल, गेंदा, कनेर, मोगरा, चूहा, कछुआ, अजगर। फिर हमने रंग देखे कौन सा, लाल, लीला, हरा, काला। फिर हमने पक्षियों के नाम देखे कौन से, चिड़िया, तोता, मोर, कौवा। फिर हमने फल के नाम देखे, तो फल के नाम है आम, सेब, अनार और केला। तो विद्यार्थी मित्रों, हमको ऐसे ही हमें शब्द लेखन करने हैं। जैसे कि कोई भी चित्र देखो और इसका हिंदी में नाम लिखो। तो आपको ऐसे ही अभ्यास करना है शब्द लेखन करके। जो चित्र देखोगे इसको हिंदी में आपको नाम लिखना है। अस्तु।